एक और डाउट सॉल्व करते हैं। ये डाउट आया है अगरतला से, पूछा है अर्णव विश्वास ने। ए स्फेरिकल बॉब ऑफ मास एम एंड रेडियस आर इज अटैच टू ए फिक्स्ड पॉइंट बाई मीन्स ऑफ ए मासलेस रिजिड रॉड हुज लेंथ फ्रॉम पॉइंट ऑफ सपोर्ट अप टू द सेंटर ऑफ बॉब इज एल। ठीक है, सिस्टम में क्या है, एक स्फेरिकल बॉब है, ठीक है, कुछ दिया नहीं है तो इसको हम सॉलिड मान लेंगे, ये सॉलिड बॉब है, बॉल की तरह है ये। उसका मास आपको दिया है एम और रेडियस दिया है उसकी आर, ठीक, और उस बॉब को कनेक्ट किया गया है एक मासलेस रिजिड रॉड है, ये रिजिड रॉड है, ये कोई स्ट्रिंग नहीं है, ये रॉड है, और उसकी लेंथ दी है आपको एल। बॉब के सेंटर से हिंज, मान लिया यहाँ पे कोई हिंज होगी, इस तरह की ये हिंज होगी, हिंज से लेकर बॉब के सेंटर तक की लेंथ दी है एल, और ये मासलेस है, इसका अपना कोई मास नहीं है, ठीक है। फाइंड द पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन, ये स्मॉल ऑसिलेशन कर रहा है, ये स्विंग कर रहा है, तो इसका पीरियड आपको फाइंड करना है। तो बेसिकली ये जो है पेंडुलम, ये बेसिकली फिजिकल पेंडुलम का एग्जाम्पल है, इसमें एक रॉड है, रॉड के साथ एक बॉल अटैच्ड है, ठीक। और फिजिकल पेंडुलम के केस में जो टाइम पीरियड होता है वो आपका आता है 2 पाई अंडर रूट आई डिवाइडेड बाई एम जी डी। क्या क्या टर्म्स हैं देखते हैं जरा, आई क्या होता है, आई होता है उस पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लेकिन किस पॉइंट के अबाउट, हिंज के अबाउट। जो भी आपका फिजिकल पेंडुलम है, जो भी पूरा सिस्टम है जो कि ऑसिलेट कर रहा है, उस पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लेकिन किसके अबाउट, हिंज के अबाउट, क्लियर। एम क्या होता है, एम होता है उस सिस्टम का मास, जी आपको पता ही है, डी क्या होता है, डी जो होता है वो होता है उस सिस्टम के सेंटर ऑफ मास से हिंज तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। उस पूरे सिस्टम के सेंटर ऑफ मास से हिंज तक की क्या होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो एक एक करके वैल्यू पहले फाइंड करेंगे, पहले फाइंड करेंगे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, लेकिन किसके अबाउट, हिंज के अबाउट, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे, पहले ये जो रॉड है इसका, ये तो मासलेस है तो इसका तो अपना कोई मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा नहीं, जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इस बॉल का होगा, ये सॉलिड बॉल है, पहले फाइंड करेंगे इसके डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे तो डायमीटर से पास करने वाली एक्सिस है और जो हिंज से पास करने वाली एक्सिस है वो दोनों एक दूसरे के क्या होंगी, पैरेलल, ठीक है। तो क्या क्या होती है पैरेलल एक्सिस थ्योरम, आई सी एम सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस मास इंटू जो भी डिस्टेंस होती है उसका स्क्वायर। डी टर्म नहीं यूज़ करते हैं, कुछ और कह देते हैं इसको, एम एक्स स्क्वायर कह देते हैं, ठीक। दोनों एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस और जिस एक्सिस के अबाउट आप फाइंड कर रहे हो, वो दोनों एक्सिस क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे कौन सी एक्सिस लेंगे, हम वो एक्सिस लेंगे जो इस प्लेन के, इस स्क्रीन के प्लेन के परपेंडिकुलर है और इसके सेंटर से पास कर रही है, क्योंकि जो हिंज वाली एक्सिस है वो भी इस स्क्रीन के प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक। तो सारी वैल्यू पुट कर देते हैं, सॉलिड बॉल का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है 2/5 एम आर स्क्वायर, एम स्मॉल एम रेडियस आर का स्क्वायर प्लस मास स्मॉल एम है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच में, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक वो डिस्टेंस है एल, तो एम इंटू एल स्क्वायर, क्लियर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने फाइंड कर लिया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है सेंटर ऑफ मास, इस पूरे सिस्टम के सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली सेंटर ऑफ मास और हिंज के बीच में, तो वो है एल। तो बस सारी वैल्यूज पुट कर देनी है, अब आपको आंसर मिल जाएगा टाइम पीरियड का। आई कितना आया, तो आई आया 2/5 एम आर स्क्वायर प्लस एम एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई मास एम है, जी जी है, और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, जो डिस्टेंस है वो कितनी है, वो आपकी एल है, ठीक। ये डी कौन सी डिस्टेंस होती है, ये होती है पूरे सिस्टम के सेंटर ऑफ मास से लेकर हिंज तक की डिस्टेंस। तो पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास तो इसके सेंटर पर ही लाई कर रहा है, क्योंकि रॉड का तो कोई मास है नहीं, और इस सेंटर से हिंज तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, तो वो दी है आपको एल। बस अब इसको सॉल्व कर लेना है, तो एम एम कॉमन लेके और इस एम से एम कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 पाई भारी रखते हैं, 5 एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम तो नीचे आ जाएगा 5GL और ऊपर हो जाएगा 2R स्क्वायर प्लस 5L स्क्वायर, क्लियर। तो ये होगा इस फिजिकल पेंडुलम का टाइम पीरियड, क्लियर।